हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हमारी चल रही है 100 अमेजिंग मैट्रिक्स की वीडियोस की सीरीज और ये हो जाता है पार्ट 4। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं, सीपीयू एग्ज़ाम, ठीक है, एमटीएस का एग्ज़ाम, आईबीपीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, आईबीपीएस में टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी है, पीयू एग्ज़ाम है, क्लर्क है, ठीक, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, रेलवेज़ में अगर बात करें आरपीएफ का एग्ज़ाम है ना, एएलपी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो ओवरऑल सारे एग्ज़ाम यहाँ पर हम कवर करके चल रहे हैं इन 100 अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर। मतलब सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ट्रिक्स और उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करके चल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं ये, आप लगातार इनको देखिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर मैं कहने को तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन इन 5 क्वेश्चन से आप 12 से 15 क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो आज की ये वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, अभी तक की सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इन 5 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक आती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर बनते हैं 2 क्वेश्चन, प्रति किलोग्राम मूल्य, ठीक है, एक होता है यहाँ पर पूछेगा वर्तमान मूल्य और एक पूछेगा आरंभिक मूल्य, ठीक। एक तो पूछेगा वर्तमान यानी कि नया मूल्य क्या होगा, उसका नवीन मूल्य क्या होगा, एक पूछेगा मूल मूल्य या आरंभिक मूल्य, जो पहले वाला है, पुराना वाला मूल्य, ठीक। 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ पर 20% कमी दी हुई है, अगर यहाँ पर आपको दे दिया जाए वृद्धि, तो वृद्धि देकर भी आपसे, ठीक है, दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान वाला भी पूछा जा सकता है, आरंभिक वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन से कितने बने, 4 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से ही हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए, इसको समझते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, ध्यान देंगे, आपको दिया हुआ 20% कमी, चाहे कमी वाला आ जाए चाहे अधिक वाला, आपको करने का तरीका आपका सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पर कहा गया 20% कमी, 20 गुणा कितने रुपए, रुपए कितने दिए हैं यहां पर, 36 रुपये दिए गए हैं, 36 रुपये रखेंगे, और कितने ग्राम अधिक आती है चीनी, 500 ग्राम। अब 500 ग्राम है, रेट हमें प्रति किलोग्राम पूछा है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि ये किलोग्राम में ही इसका रेट निकल कर आए, इनटू 100, यहाँ पर रखते हैं 100। तो यहाँ पर हमने रखी कमी, ठीक है, अगर वृद्धि दी हुई होती तो वृद्धि भी यहीं पर रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं हम रुपये जितने भी दिए गए हैं, यहाँ पर रखते हैं हम मात्रा, चाहे वो कम है चाहे वो अधिक है, गुणा 100। तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके चलेंगे, 500 एकम 500, 500 दुनी 1000, और 2 से ही कट जाएगा 50 बार में, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, हो जाएगा 36 दुनी 72, 72 बटे 5, और 72 बटे 5 14 5 70, 14.4 केजी, 14.4 रुपये पर केजी का उसका रेट आ गया, ये आ गया उसका वर्तमान मूल्य, नया वाला मूल्य। अगर नया वाला मूल्य पूछे, वर्तमान मूल्य पूछे, नवीन मूल्य पूछे, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, 14.4 रुपये पर केजी, क्लियर। अगर पूछा जाए कि आरंभिक मूल्य, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये 14.4 यहां तक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा, उसके बाद 100 और नीचे की तरफ रखेंगे, क्या रखेंगे आप नीचे की तरफ, अगर यहां पर 20% कमी हुई है तो आप रखेंगे 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना रखेंगे, 80, 100 माइनस 20 80, और अगर यहां पर वृद्धि हुई होती तो रखते 100 प्लस 20, क्लियर। पॉइंट हटाएंगे यहां से और 0 नीचे की तरफ आएगी, 0 ये 0 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 8 18 8 144, तो 18 रुपये पर केजी यहां पर ये रेट आपका आ जाएगा। समझ में आ गया आपको।
तो एक ही क्वेश्चन से आप चार क्वेश्चन कर पाएंगे। चार क्वेश्चन वर्तमान मूल्य वाला पूछ सकता है, आरंभिक मूल्य वाला पूछ सकता है, या फिर कमी की बजाय यहां पर दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी कम आती है। यहां पर कम हो जाता है, ऊपर वृद्धि हो जाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या होगा या वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो दो क्वेश्चन वहां से ये बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आई। यहां पर रखेंगे कमी या वृद्धि, यहां पर रुपए, यहां पर मात्रा, ठीक है, ग्राम में दी हुई है, केजी में पूछा है रेट, तो इसलिए केजी में कन्वर्ट कर लिए इनटू 100 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे चार, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे चार। कैसे बनेंगे, यहां पर पूछा गया कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो आपको मान लेना है तीसरी संख्या को 100 में 20 जोड़ेंगे 120 और 100 में 50 जोड़ेंगे 150। अब उसने ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो पहली वाली ऊपर रखी जानी है, जैसे कि मैंने रखी है 20, 100+20 120, और नीचे रखेंगे 100+50 150। अगर यहां पर वो पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, क्या पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो क्या रखते 100+50 यानी कि 150 ऊपर और 100+20 यानी कि 120 नीचे की तरफ, तो दो सवाल बन जाते हैं इंटू 100। ठीक, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 5 × 10 और 20 × 80%, ये आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो दो सवाल आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है, 150 ऊपर रखेंगे 120 × 100, ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था इसी में से कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक की बजाय यहां पर क्या हो जाता, कम। अब अधिक की बजाय अगर कम हो जाएगा तो क्या रखेंगे, 100 - 20 यानी कि 80 और 100 - 50 कितना रखेंगे, 50 × 100, तो माइनस करके रख देंगे 50 × 100 और 80 × 160% यहां पर आंसर आ जाएगा। तो यहां भी दो तरीके से बन जाएगा, कमी में भी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, या पूछा जा सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो चार सवाल यहां पर आपके क्लियर हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक, चलते हैं आगे। हमने दो सवाल से कवर किए 8 क्वेश्चन, हमारे यहां पर 4+4 8 क्वेश्चन कवर हुए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 10% कम की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा ये जा सकता है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा उस वस्तु के मूल्य में फिर 10% की कमी कर दी गई, तो उसके वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी काफी तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ केवल एक चीज याद रखिए कि जितनी भी परसेंटेज आपको दी हुई है सेम बढ़ रही है, सेम ही यहाँ पर घट रही है। तो वो करना क्या है, उस 10 का कर लेंगे स्क्वायर और नीचे रखेंगे 100। क्या रखेंगे, 100, उस 10 का रखेंगे स्क्वायर बटे 100। अब 10 का स्क्वायर है, 10 दिया है परसेंटेज में तो 10 रखेंगे, 20 दिया है तो 20 रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटे 100, और 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 1% आपका जाएगा, और 1% हमेशा जो आंसर आएगा वो कमी में आएगा। ठीक है, 1% जो आंसर आएगा वो हमेशा कमी में आएगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन से काफी संबंधित क्वेश्चन काफी सारे बनेंगे, जैसे कि यदि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, तो यहां पर आपको करना क्या है, पहली बार में यहां पर 20% वृद्धि दी गई है, फिर 10% दोबारा वृद्धि दी गई है, तो एक फार्मूला याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि x + y - x y / 100। क्या रखेंगे, x + y + x y / 100। ठीक, तो 20 रखेंगे प्लस 10+20 × 10/100, 0 से ये 0 कैंसिल हो जानी है, तो 20 और 10 = 30 और 2 + 1 = 2 यानी कि 32% यहां पर उसका क्षेत्रफल 32% बढ़ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। अब अगर इसमें यह दिया जाता कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, पहला वृद्धि है तो पहला एक्स प्लस में रखेंगे, दूसरा वाई माइनस में क्योंकि वहां पर हो जाएगी कमी, और माइनस रखेंगे एक्स वाई बटे 100। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों बार जब प्लस, दोनों बार वृद्धि, और ये एक बार वृद्धि एक बार कमी, और जब
दोनों बार ही कमी होगी. अब जब दोनों बार ही कमी होगी तो उस कंडीशन में आपको एक फार्मूला याद रखना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बटे 100, जब दोनों बार कमी होगी. तो यहां से आप ये तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस निकाल पाएंगे. ठीक है, क्लियर है. अब ये तो रही आयत की बात. ठीक है, सेम बात अगर वर्ग में पूछ ली जाए कि वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो वर्ग की भुजा के लिए आपको क्या करना है कि वर्ग की जो भुजा होती है उसकी लंबाई भी सेम होती है, चौड़ाई भी सेम होती है. तो यहां भी आप 10 रखेंगे और उसकी चौड़ाई में भी 10 रखे चलेंगे, क्योंकि वहां तो आपको केवल एक बार भुजा में 10% दे देगा या 20% दे देगा या जो भी वहां पर दिया हुआ होगा. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि उसकी लंबाई की जगह भी आपको 10 रखना है और चौड़ाई की जगह भी जो भी संख्या दी हुई है दोनों जगह सेम टू सेम वही रखनी है, प्लस 10 × 10/100. तो उस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, चाहे वर्ग वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए, वर्ग वाला, चाहे वृत्त वाला यानी कि सर्किल वाला भी क्वेश्चन आएगा तो वहां भी यही होगा. क्वेश्चन आ सकता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा. समझ में आ गई बात. तो वहां भी आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 यानी कि दोनों जगह 20-20 रख लेंगे, प्लस 20 × 20/100 यानी कि 44% आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तीन सवाल ये समझे, दो सवाल मैंने एक वर्ग वाला बताया और एक आयत वाला, वो सॉरी सर्कल वाला बताया. तो पांच सवाल ये कन्फर्म हुए, यहां पर लिखें पांच सवाल. ठीक, अब इन सवालों के साथ साथ देखिए, ये तो आपने समझे, ठीक है, एक ही मेथड से मैं बता रहा हूं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी, आप काफी सारे सवाल कर पाएंगे. अब बात कर लेते हैं आयतन में. अगर घन का क्वेश्चन आ जाए, घन का क्वेश्चन आ जाए, शंकु का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है. मान लीजिए घन का क्वेश्चन आ जाए कि एक घन की भुजा में अगर 10% वृद्धि की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां भी 10 रखना है, यहां भी 10 रखना है, जैसे भी मैंने वर्ग के लिए बताया, आपको वृत्त के लिए बताया. ठीक है, तो 10, 10, 20 और 21% आ जाएगा. अब आपको करना क्या, अगर क्षेत्रफल ही पूछे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो आंसर तो यही हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आयतन के लिए पूछा गया है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी गई है, तो अब आपको क्या करना है, इस 21% के साथ इसी फॉर्मूले में थर्ड टाइम फिर यूज करना है, यानी कि 21 एक्स के लिए रखेंगे और वाई के लिए वही 10, 21 × 10/100, तो 31 और ये हो जाएगा 21/10 यानी कि 2.1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.1% वृद्धि, यानी कि उसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 33.1% यहां पर हो जाएगी. तो क्लियर हुआ आपको. तो यहां से भी आप 1, 2, 3, 4 तरह के जितने भी सवाल बन सकते हैं, घन, घनाव, ठीक है, पूछा जाए आपसे शंकु का, पूछा जाए बेलन का, पूछा जाए गोले का, पूछा जाए, तो वो भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दो ही मान लेता हूं. ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में, 25% अंग्रेजी में असफल रहे तथा 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे, तो कुल कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल रहे. देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. हम डायरेक्ट इसको सफल का ही मेथड बताता हूं मैं कि प्रतिशत सफल. अब देखो समझिए इसको, अगर 35% गणित में फेल है तो पास कितने होंगे, 100 में से घटा दीजिए सीधे सीधे 65. 25% अगर अंग्रेजी में फेल है तो कितने पास होंगे, 75. इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के पास हैं वो हमने जोड़ दिए. ठीक है, और फिर कहा 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल है तो सफल कितने होंगे, 90. जो दोनों विषय वाले 90 हैं वो आपस में घटा देंगे. ठीक है, तो तरीका यह भी था कि पहले मैं यहां पर ऐसा फल ही निकाल देता, यानी कि 35 और 25 जोड़ लेता, यानी कि कितना हो जाता 60, और 60 में से 10 घटा देता 50%, 50% ऐसा फल आ जाते और 100 में से 50 घटाता तो 50% सफल आ जाते. लेकिन मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 140 और 90 इसमें से माइनस करें तो 50% यहां से हमें डायरेक्ट सफल वाला भी निकल जाएगा. तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहे 35 प्लस 25 माइनस 10 करके पहले असफल निकाल लीजिए, फिर सफल निकाल लीजिए, या जैसे मैंने बताया कि 35 अगर असफल हैं तो सफल 65 होंगे, 25 अगर असफल हैं तो सफल कितने होंगे,
75 होंगे और 10 दोनों विषयों में अगर असफल हैं तो 90 दोनों विषयों में सफल होंगे। तो वो भी इस तरीके से पहले दोनों को जोड़ लीजिए जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट के हैं, और जो दोनों सब्जेक्ट एक साथ दिए हुए हैं उसे माइनस कर लेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लें। ठीक है गाइस, तो यही क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और ओवरऑल अगर बात करें 4, 4, 8, 8, 5, 13, 14, 15 और एक ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, तो करीब करीब हमने 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर इन 5 क्वेश्चंस के जरिए डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, डेली कोई ना कोई पेपर हो रहा है, हर महीने आप देने जाते हैं एग्जाम, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसी मेथड, इस कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको पता हैं कि अगर उनको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर 30, 35 या 40 सवाल आपके पेपर में या 50 सवाल पेपर में आए और 10-12 सवाल कुछ ऐसे हों जहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम ना देना पड़े, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये सीरीज कुछ इसी ही उद्देश्य से स्टार्ट की गई है, जिसका ये 4th पार्ट था, इसे अभी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। ठीक है, जो भी वीडियोस बन पाएंगे 12, 15, ठीक है 20, मेरा तो उद्देश्य यही है कि 100 से भी ज़्यादा अगर मुझे क्वेश्चंस बनते जाएंगे और जैसे जैसे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं 200 मैजिकल ट्रिक्स या 200 अमेजिंग ट्रिक्स तक भी इसको लेकर जाऊँगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको यही सब क्वेश्चंस कराने थे, यही सब आपसे डिस्कस करना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।